क्वेश्चन देखो क्या है, यू हैव एम जी ओ एच होल्ड ट्वाइस, राइट? तुम्हारे पास एम जी ओ एच होल्ड ट्वाइस है, इसमें 1 मोल एम जी सी एल टू को ऐड किया गया 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर। तो पूछा गया है कि पीएच उस वो निकालो जब देर विल बी नो प्रेसिपिटेशन, इसका कोई प्रेसिपिटेशन ना हो। इज दैट क्लियर? तो अब जरा समझने की कोशिश करो कि यहाँ हो क्या रहा है। जब एम जी ओ एच होल्ड ट्वाइस डिसोसिएट होता है तो यहाँ पे एम जी टू प्लस तो मेन हीरो के कारण ये देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह ट्रीट करेंगे इसको, तो यहाँ से एम जी टू प्लस तो ऑब्वियसली 1 हो जाएगा, राइट? तो अब देखो 1 into OH- का होल स्क्वायर इज 4 into 10 की पावर -10, तो ओ एच माइनस तो अपना आ जाएगा ना 2 into 10 की पावर -5, तो पी ओ एच क्या आएगा बताओ? 5 - log 2 यानी कि 4. कितना होता? 7। तो पी एच क्या आएगा? 14 - 4.7, सो इट विल बी 9.3। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? एवरीबॉडी ये बात आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। इज दैट क्लियर? ओके, तो लिख लिया है सबने? ठीक है, अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं अपन। इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कैसे जरा देखते हैं। सी, अब क्या है कंसेप्ट अपने पास? अब ये है कि जैसे देखो साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी देख लेते हैं। साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी देखो ये आसान है। जैसे मान लो तुम्हारे पास AgCl एक सॉल्ट है, Ag प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होता है। दूसरा एक सॉल्ट है AgBr, तो ये कैसे डिसोसिएट होगा एवरीडी? ये डिसोसिएट होगा, जस्ट ए मिनट थोड़ा सा। ये डिसोसिएट होगा, थोड़ा सा रुक जाओ, पेन में लेटेंसी आ रहा है। या Ag प्लस और Br माइनस में, राइट? तो Ag प्लस और Cl माइनस में AgCl डिसोसिएट होगा, Ag प्लस इनटू Br माइनस में AgBr डिसोसिएट होगा। तो यदि तुम यहाँ S1, यहाँ S1, यहाँ S2, यहाँ S2 लिखते हो, तो ये S1 प्लस S2 आ जाएगा यहाँ पे, और ये भी S1 प्लस S2 आ जाएगा। तो Ksp1 is S1 into S1 plus S2, और Ksp2 will be S2 into S1 plus S2. अब यदि अपन ऐड कर देते हैं Ksp1 plus Ksp2, तो यह आएगा S1 plus S2 का whole square. यानी जो Ag plus है, यानी simultaneous solubility है Ag plus की, वो आएगा root under Ksp1 plus Ksp2. Clear everybody? ये तो charge balance से भी कर सकते हो वैसे, चार्ज बैलेंस से भी कर सकते हो यार। Ag प्लस जो है Cl माइनस प्लस Br माइनस के बराबर होगा, तो उससे भी इक्वेट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो Ag प्लस को तुम लिख सकते हो Ksp, ये लिख सकते हो अपॉन Ag प्लस, और इसको लिख सकते हो Ksp अपॉन अगेन Ag प्लस। तो ये Ksp1 लिख देना और ये Ksp2 लिख देना। वो स्क्वायर क्यों? अरे इसको ऐड करो ना, क्या आएगा देखो, S1 into S1 plus S2 plus S2 into S1 plus S2, कॉमन ले लो S1 plus S2, क्या आएगा? S1 plus S2 into S1 plus S2 आएगा। S1 plus S2 क्यों? क्योंकि दोनों ऐड हो जाएंगे ना, दोनों वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं।
चेतन इज दैट क्लियर? दोनों वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। दोनों ऑब्वियसली साइमल्टेनियस का मतलब यही है ना, दोनों एक साथ रहेंगे, दो साइड हीरो एक साथ हैं, समझ में आया? दोनों साइड हीरो एक साथ रहेंगे तो दोनों की हीरोगिरी चलेगी। एक मेन हीरो आ जाएगा जो बहुत खतरनाक होगा, जैसे रजनीकांत आया, राइट? तो बाकी छोटे मोटे गुंडे एकदम शांत हो जाएंगे, बट दोनों साइड हीरो हैं तो दोनों की हीरोगिरी साथ में चलेगी। दैट इज द कांसेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। क्लियर? रिटर्न एवरीवन, ओके। तो ये तो यार आसान है। अब जैसे मान लो कुछ इस तरह का हो, तो जैसे मान लो तुम्हारे पास ए टू बी है और लेट से सी टू बी है, दो सॉल्ट है, तो इनके केस में क्या करोगे? टू ए प्लस प्लस बी टू नेगेटिव, टू सी प्लस प्लस बी टू नेगेटिव, ठीक है? थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं, ऐसा जगह नहीं है वहां पे। ए टू बी इस तरह से डिसोसिएट होगा, ठीक है ना? तो ये एस वन है, ये टू एस वन है, ये 2s2 है और ये s2 है। तो 2s1 plus 2s2, 2s2 plus 2s1। अब जरा देखो ksp1 क्या आता है, 2s1 plus s2 और 2 square s1 plus s2 का square into s1। फिर ksp2 क्या आएगा, 2 square s1 plus s2 का whole square into s2। तो अब देखो क्या आएगा, b b उल्टा हो गया ना। अरे हाँ यार, ये कॉमन नहीं था, उल्टा हो गया, रुक जाओ। जाओ वैसा करते हैं, ए टू बी और सी टू बी। एक्चुअली मैं करना कुछ और चाह रहा था, मैं चाह रहा था, चलो दोनों केस देख लेंगे। तो ये एस वन प्लस एस टू, ये एस टू प्लस एस वन और ये टू एस वन और ये टू एस टू, ठीक है? तो के एस पी वन क्या आएगा, टू एस वन की पावर टू एस वन प्लस एस टू। के एस पी टू आएगा टू एस टू की पावर टू एस वन प्लस एस टू। के एस पी वन प्लस के एस पी टू क्या आएगा गाइस, बताओ? यह जगह फोर एस वन स्क्वायर एस वन प्लस एस टू। यहां पे कुछ नहीं होगा, देखो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पे तो आपको कोई फायदा नहीं है, समझ में आ रहा है? यहाँ तो कुछ नहीं हुआ ना, यहाँ आपको इंडिविजुअली ही सॉल्व करना पड़ेगा। आगे बढ़ सकते हैं, एवरीडी वो वाला केस जो है ना, ये करना पड़ेगा अपने को। देखो ए टू बी और ए टू सी, यहाँ पे जुगाड़ बन जाएगा साइमल्टेनियस का। टू ए प्लस प्लस बी टू माइनस, ये हो जाएगा टू ए प्लस प्लस सी टू माइनस। तो ये एस वन ये एस टू, ठीक है? ये टू एस वन ये टू एस टू। अब यहाँ टू एस टू, समझ में आया? देखो यहां पे हो जाएगा फिर के एस पी वन आ जाएगा इसका फोर एस वन प्लस एस टू का स्क्वायर इंटू एस वन। के एस पी टू आ जाएगा यहाँ पे फोर एस वन प्लस एस टू का स्क्वायर इंटू एस टू। तो के एस पी वन प्लस के एस पी टू जो है, इट इज फोर इंटू एस वन प्लस एस टू का होल क्यूब, राइट? और यहाँ ए प्लस का जो है कॉन्सेंट्रेशन, इट इज टू इंटू एस वन प्लस एस टू। तो ये तो आसान है ना, इसको सॉल्व कर ही सकते हैं अपन इस तरह से। ये तो नॉर्मल प्रॉब्लम्स हो गए। कोई दिक्कत है इसमें किसी को?
ओके अभी देखो कुछ सॉल्युबिलिटी। हाँ वही नेक्स्ट केस है अपना। देखो मान लो सोलिबिलिटी इन अमोनिया की बात कर लेते हैं, सोलिबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया या सिर्फ सोलिबिलिटी इन अमोनिया। देखो कई बार क्या होता है कि जैसे AgCl सपोज डिसोसिएट होता है Ag प्लस और Cl माइनस में, ये S है ये S है, तो अब ये Ag प्लस क्या करता है अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। और जो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा ए, सपोज ये एस माइनस ए है तो ये भी एस माइनस ए होगा, और ये सपोज बी है तो ये बी माइनस हो जाएगा टू ए। तो ये यदि के एस पी है और ये के एफ है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का कॉन्स्टेंट, तो अब जब अपन रिएक्शंस लिखेंगे तो अब रिएक्शन क्या लिखेंगे, ए जी सी एल प्लस टू एन एच थ्री गिव्स अस दिस प्लस सी एल माइनस। तो ये के एफ इंटू के एस पी जो होगा ये आ जाएगा आपका सी एल माइनस एस है ये ए है एंड दिस इज बी माइनस टू ए, तो ये आ जाएगा ए इंटू एस अपॉन बी माइनस टू ए का होल स्क्वायर। एवरीबडी इज दैट क्लियर? ओके अब देखो इस पे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे, ये वाली जो रिएक्शन होती है ना के एफ ये बहुत ज्यादा होती है, तो ये तो मान के चलोगे कि एस माइनस ए इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो यानी एस इज टेंडिंग टू ए। इसका मतलब समझ में आया गाइस, जैसे के एफ जो होता है ना कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा स्टेबल है वो, तो उसकी वैल्यू 10^20 टाइप होगी। 10^20 टाइप का मतलब ये रिएक्शन ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल है, तो जितना एस जितना ए जी प्लस होगा ना उतना ही ये बनेगा। तो s माइनस ए इज टेंडिंग टू जीरो कर देंगे यहाँ पे, या फिर अपन ऐसा कर देंगे कि s माइनस ए इज टेंडिंग टू जीरो तो s इज टेंडिंग टू ए। आर यू गाइस क्लियर ऑन दिस? तो इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन ढूंढता हूँ जो इस टाइप का हो। ये लिख लिया हमने। जैसे देखो यहां पे क्या होगा ना, s माइनस ये समझ में आया सबको कि s इज टेंडिंग टू a क्यों कर दिया हमने? एवरीडी ये सबको समझ में आया कि s इज टेंडिंग टू a क्यों किया हमने? क्योंकि यार ये जो kf की वैल्यू होगी ना कुछ इस तरह की दी रहती है 10^20, मतलब ये तो एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है ना, तो इसको अपन सॉल्व कैसे कर सकते हैं? एस और ए दोनों सेम ही है, तो हम यहां लिखेंगे क्या, ये जो अपना रिलेशन बना ए इंटू एस अपॉन बी माइनस टू ए को होल स्क्वायर इज के एफ इंटू के एस पी। अब के एफ और के एस पी दोनों दिए रहते हैं, अब दो वेरिएबल हो गए, तो अब करोगे क्या, एस स्क्वायर माइनस बी माइनस टू एस स्क्वायर इज इक्वल टू के एफ इंटू के एस पी। अब ये बी दिया रहता है एस निकालना होता है, तो अब बी तो दिया ही रहेगा, तो अब ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। ये टिपिकल क्वेश्चन होंगे तुम्हारे मॉडल में, काफी टाइम थे इस तरह के क्वेश्चन। तो अब नॉर्मली बी गिवन होता है, के एफ और के एस पी दोनों दिए हुए रहते हैं, आपको एस निकालना होता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर नॉट? ओके तो ये लिखना है क्या?
ओके, तो अभी देखो कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन बात कर लेते हैं। कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन, देखो कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन यहां भी वही है, जब QSP ग्रेटर देन KSP होगा तो यहां प्रेसिपिटेशन होगा। कब तक प्रेसिपिटेशन होगा? प्रेसिपिटेशन तब तक होगा जब तक QSP वापस KSP के बराबर नहीं हो जाता। इज दैट क्लियर गाइज? आर वी क्लियर? जब तक QSP ग्रेटर देन KSP नहीं होता तब तक प्रेसिपिटेशन होगा। इज गाइज, इज दैट क्लियर? नहीं है क्लियर? क्यों? अरे रिएक्शन क्वेश्चन ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाती है ना। तो अब जैसे तुम्हारे पास BaSO4 है तो Q ग्रेटर देन Ke पे तो रिएक्शन पीछे जाएगी, तो प्रेसिपिटेशन ही है ना पीछे। इज दैट क्लियर नाउ? चेतन, इज दैट क्लियर? ओके, तो QSP एक लेस देन KSP तो क्या होगा? सॉल्यूशन विल डिसॉल्व, सॉल्यूशन विल डिसॉल्व। अब कब तक डिसॉल्व होगा? जब तक QSP KSP के बराबर ना हो जाए। और जब QSP और KSP बराबर हैं तो उसको अपन बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब QSP और KSP बराबर हैं एक दूसरे को तो उसको अपन क्या बोलेंगे गाइस? व्हाट विल बी द सॉल्यूशन कॉल्ड? गाइस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। क्या अपने बात समझ पा रहे हैं? ओके, वेरी गुड। तो अब देखो ये हो गया सॉल्युबिलिटी वाली बात, ठीक है? अब हो गई सॉल्युबिलिटी वाली बात। अब देखो कुछ इस तरह के भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अच्छा ये मास बैलेंस बता दूं क्या? मास बैलेंस वैसे एडवांस के लिए रिलेवेंट होता है, मास बैलेंस या फिर कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस। या छोड़ दें, ये नहीं करवाएं अभी तक? व्हाट डू यू सजेस्ट? छोड़ दें? चेतन इज सेइंग छोड़ दो। व्हाट डू यू गाइस सजेस्ट? अभी छोड़ देते हैं, ठीक है? फिर इसको रहने देते हैं। तो आ जाते हैं इंडिकेटर एक्शन पे। देखो इंडिकेटर एक्शन क्या होता है, आई विल टेल यू। जैसे इंडिकेटर तुम्हारे पास है फिनोप्थिलीन, HPH। तो फिनोफ्थलीन क्या है? एक वीक एसिड ही है बेसिकली। जैसे देखो तुम एक टाइट्रेशन करा रहे हो, CH3COH प्लस HPH डाल दिए, ठीक है? और तुम इसके साथ रिएक्शन करा रहे हो NaOH का। तो अब क्या है इन द अब देखो क्या है, जब तक तुम्हारे पास एसिटिक एसिड प्रेजेंट है, जब तक एसिटिक एसिड प्रेजेंट है तब तक मेन हीरो ये है और ये साइड हीरो रहेगा। तो अब इंडिकेटर्स बहुत वीक एसिड्स होते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? वीक एसिड या फिर वेरी वीक एसिड या फिर बोल सकते हो बेस। बहुत वीक होते हैं एसिड या फिर बेस। तो जैसे ही तुमने NaOH डाला तो मेन हीरो तो एसिडिक एसिड है, राइट? गाइज, इज दैट क्लियर? मेन हीरो तो एसिडिक एसिड है ना। तो अब चूंकि मेन हीरो, ये समझ में आ रहा है सबको? नहीं आ रहा है? गाइस प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। आर वी क्लियर ऑन दिस? तो अब देखो क्या होता है, जब तक तुम्हारा एसिडिक एसिड खत्म नहीं होगा ना तब तक इस हीरो की साइड हीरोगिरी चालू ही नहीं होगी। अब जैसे ही तुम्हारा ये जीरो हो गया एंड पॉइंट पे, कहां पे होगा ये जीरो? एंड पॉइंट पे। तो अब मेन हीरो खत्म, अब रिएक्शन चालू हो जाएगा इसका। चालू
अब HPH रिएक्ट करना चालू कर देगा NaOH के साथ और ये बनाएगा NaPH प्लस वाटर। तो अब ये क्या होगा, ये भी एक बफर होगा, ठीक है। अब ये भी बफर की तरह काम करेगा। अब इसका कलर क्या है, कलरलेस, और इसका कलर क्या है, पिंक। तो सोल्यूशन पूरा पिंक हो गया तो तुम्हारा खत्म काम ना। हाँ, सोल्यूशन जब कलरलेस से पिंक के बीच में ट्रांजिशन मार रहा है गाइस, जब सोल्यूशन जो है वो कलरलेस से पिंक के बीच में ट्रांजिशन मार रहा है तो वहां पे इंडिकेटर एक्शन दिखता है और ये बफर की तरह काम करता है, जहां पे इसका पीएच क्या आएगा, पीके इंडिकेटर प्लस लॉग आईएन माइनस अपॉन एच आईएन। इज दैट क्लियर? एवरीडी इज दैट क्लियर नॉट? तो उस पॉइंट पे ये बफर होगा और उस पॉइंट पे ये एक बफर का रेंज दिखाएगा। तो ये होता है इंडिकेटर एक्शन। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, समझ में आया नहीं आया। उसी तरह से मिथाइल ऑरेंज भी होगा गाइस, आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके, तो ये लिख लिया तुमने? एवरी रिटन नॉट? ओके, तो सिमिलरली यदि अपन बात कर लेते हैं MeOH की, तो MeOH भी वैसा ही है जैसे तुमने NH4OH प्लस MeOH डाल दिया। तो अब ये बिल्कुल साइड हीरो की तरह चुपचाप बैठेगा और जैसे ही तुम्हारा NH4OH खत्म हो जाएगा तो वैसे ये काम करना चालू करेगा। तो अभी क्या होता है, इसका कलर ऑरेंज होगा और जब से ही एमी, अब ये MeOH का कलर क्या होता है, ऑरेंज, सॉरी येलो, और इसका कलर होता है रेड। तो अब ये रेड कब होगा, तो अब ये ऑरेंज हो गया, मतलब समझ में आ रहा है, ये ऑरेंज हो गया, मिथाइल ऑरेंज बोलते हैं इसको गाइस, ऑरेंज हो गया मतलब समझ में आ रहा है, ऑरेंज हो गया मतलब इन दोनों के बीच में, यानी डिसोसिएटेड अनडिसोसिएटेड दोनों फॉर्म है। तो ये बफर होगा उस रेंज में और इसका पीएच पी ओ एच आएगा पी के बी प्लस लॉग फिर से एमई प्लस अपॉन एमई ओ एच। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? एवरीबॉडी ये बात आप समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, इंडिकेटर काम कैसे करते हैं एक बफर की तरह? Are you guys clear on this? चलो बहुत अच्छी बात है। तो अभी देखो इंडिकेटर पे एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इंडिकेटर पे क्वेश्चन क्या है, देखो एक तुम्हारे पास वीक एसिड है, यू हैव ए वीक एसिड जिसका पीके दिया हुआ है 5.45, ठीक है, और ये एक्चुअली इंडिकेटर है। तुम्हारे पास वीक एसिड इंडिकेटर है जिसका पीके है 5.45 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पूछा है, ये एन अवस्थी का क्वेश्चन है एक्चुअली, एट व्हाट कॉन्सेंट्रेशन रेशियो ऑफ सोडियम एसिटेट टू एसिटिक एसिड वुड द इंडिकेटर शो अ कलर हाफ वे बिटवीन दोज ऑफ इट्स एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस फॉर्म्स। Is that clear? PKa दे रखा है 4.75। Everybody, is that clear? अच्छा, हाफ वे मतलब समझ में आ रहा है। Everybody, हाफ वे का मतलब समझ में आ रहा है, एसिड और कॉन्जुगेट बेस का हाफ वे का मतलब समझ में आ रहा है।
जैसे तुम्हारे पास एच पी एच है, तो एच प्लस और पी एच माइनस, यानी हाफ वे तब होगा जब ये देखो, अब ये मान लो ब्लैक है और ये व्हाइट है, तो हाफ वे का मतलब आधा ब्लैक और आधा व्हाइट, इज दैट क्लियर एवरीबडी? ये समझ में आ रहा है? हाफ वे का मतलब आधा ब्लैक और आधा व्हाइट, यही ना चेतन? अभी भी नहीं समझ में आया? इंडिकेटर हाफ वे मतलब ये ब्लैक है और ये व्हाइट है, तो दोनों बराबर बराबर होंगे तभी ब्लैक एंड व्हाइट का आधा होगा ना। तो यानी तुमसे पीके इंडिकेटर यानी पूछ रहा है कि 5.45 जब पीएच होगा, ठीक है, तो अब जैसे देखो हाफ वे का मतलब ये हो गया कि उस पॉइंट पे पीएच पीके इंडिकेटर के बराबर होगा, तो उस पॉइंट पे एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट का क्या मिक्स, समझ में आया ये? यानी कि ये इसकी बात कर रहा है 5.45 पीएच की। तो उस पॉइंट पे अब जरा सोचो, उस पॉइंट पे पीएच है 5.45, तो अब उसमें एसिटिक एसिड का पीके 4.75 दे रखा है, तो लॉग एसी माइनस अपॉन एसीएच निकालना है अपने को, तो ये कितना आएगा डिफरेंस बताइए गाइस, व्हाट विल बी दिस डिफरेंस? एवरीडी व्हाट विल बी द डिफरेंस, प्लीज रिस्पॉन्ड। नहीं समझे? ओके फाइन, लेट मी जस्ट सॉल्व इट। देखो अब ये आ रहा है 0.7, तो आई विल टेल यू, डोंट वरी। तो अब ये रेशियो आएगा, जो रेशियो है वो 5 आएगा। अब मैं समझा देता हूँ चेतन, टेंशन मतलब टेंशन लेने कोई बात यहाँ पे है नहीं। ये समझ में आ गया कि तुम्हें इंडिकेटर जब हाफ वे होगा, इंडिकेटर जब हाफ वे होगा तो पीएच 5.45 होगा, ये तो समझ में आ रहा है ना चेतन? चेतन ये बात समझ में आ रहा है कि पीएच हम 5.45 कैसे निकाल दिए? अरे यार जवाब तो दो कम से कम, क्वेश्चन लिख लिया है गाइस, क्वेश्चन लिखा है, नो आंसर। एवरीडी हैव यू रिटन द क्वेश्चन? ओके तो अब क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास एक सोल्यूशन में, देखो समझने की कोशिश करो, सोल्यूशन में एसिटिक एसिड भी है और इंडिकेटर भी है, ठीक है, ठीक है। अब ये इंडिकेटर कुछ भी हो सकता है। अब आपको बोल रखा है कि इंडिकेटर की हालत ऐसी है कि ये हाफ वे है, तो यदि ये इंडिकेटर हाफ वे वाली स्टेट में है तो इसका पीएच हम लिखेंगे पीके इंडिकेटर प्लस लॉग ऑफ जो भी पीएच फॉर्म है अपॉन एचपीएच, ये तो ठीक है ना, और ये 1 है, तो पीएच सॉल्यूशन का पीके इंडिकेटर के बराबर है जो कि 5.45 है। इसमें किसी को डाउट है क्या एवरीडी? इसमें किसी को डाउट है कि सॉल्यूशन का जो पीएच है वो 5.45 है, इज दैट क्लियर? आर यू कन्विंस्ड ऑन दिस गाइस, आर यू कन्विंस्ड ऑन दिस और नॉट? ओके फाइन, तो इस पे कन्विंस्ड हो। तो अब जब पीएच सॉल्यूशन का आपको दे रखा है तो एसिटिक एसिड भी होगा और एसिटेट भी होगा, ठीक है। अब जैसे अब यहां पर आपके पास सोडियम एसिटेट और एसिटिक एसिड भी है, तो ये भी बफर है ना सॉल्यूशन में, दोनों है, ये भी बफर, ये भी बफर। तो जब इस सॉल्यूशन का पीएच 5.45 है, पीके ए इसका 4.75 है एसिटिक एसिड का, तो उसका यार ये रेशियो नहीं निकल जाएगा क्या? ये तुम्हारा 0.7 आएगा। इज दैट क्लियर नॉट? तो रिक्वायर्ड रेशियो 5 आएगा और क्या? अभी आपको समझ में आया कि हमारा जो रिक्वायर्ड रेशियो 5 कैसे आएगा?
गाइस आर वी क्लियर नाउ? तो अब ये टाइम खत्म होने वाला है, तो इट विल लॉग आउट। सो अभी जो रेशियो है एसी माइनस अपॉन एसीएच, दैट विल बी 10^0.7 जो कि 5 आएगा। अभी चेतन क्लियर है या अभी भी डाउट है? चेतन इज इट क्लियर? चेतन आर यू देयर? फाइन गाइस, देन विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय। चेतन आर यू देयर? आर यू लेफ्ट? चेतन हैज लेफ्ट। फाइन गाइज, देन विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय। किसी और को डाउट है तो बताओ कुछ।